नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की वीडियोस के अंदर जिस सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, वी वर टॉकिंग अबाउट एंट्रॉपी। हम लोगों ने एंट्रॉपी का रिश्ता, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जितने भी थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं सबके अंदर अपनी टांग उसेड़ी जा रही है। तो सबके साथ हमने इसका रिश्ता डिस्कस किया। हमने इसका जो रिलेशन था, या मैं कहूँ कि पवित्र रिश्ता था, वो स्टेटिस्टिकल फिजिक्स के साथ भी डिस्कस किया। एंड वी कंक्लूडेड दैट एंट्रॉपी is the parameter which establishes a link between statistical physics and thermodynamical physics. So दोनों जो branches हैं उनके बीच का जो link establish करने वाली quantity है या जो parameter है वो है nothing but entropy, entropy, entropy. So वो entropy ही है। So today we are here with the कि PV indicator diagram हम लोगों ने already किया है, which gives us the state of system at any instant of time कि in the during the course of investigations कि जैसे जैसे प्रोसेस चल रहा है और उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के दौरान मुझे ये पता करना है कि सिस्टम भैया किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है। तो हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। प्रेशर को हमने y एक्सिस के अलोंग लिया और वॉल्यूम को हमने x एक्सिस के अलोंग लिया। एंड वी कॉल्ड इट इंडिकेटर डायग्राम क्योंकि ये सिस्टम की स्टेट को इंडिकेट करता था। एग्जैक्टली इन द सेम वे अब हम ये देखना चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि न्यूटन ने हर जगह टांग अड़ाई है, जस्ट लाइक दैट एंट्रोपी ने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हर जगह पे टांग अड़ाई है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि क्या उसी इंडिकेटर डायग्राम का रेप्लिका या मैं कहूँ कि सब्स्टिट्यूट हमारे पास एंट्रोपी की टर्म में है या नहीं है। तो आंसर इज जी हाँ, बिल्कुल है। कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो उसको हम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम भी बोलते हैं या टेम्परेचर TS इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टेम्परेचर एंट्रोपी या फिर मैं कहूँ TS डायग्राम। इसकी हमें बात करनी है। एंड आप लोगों को अच्छे से पता है कि इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन pressure and volume, then it gives us the state of system at any instant of time and we call it PV indicator diagram. So exactly in the same manner we can define temperature entropy diagram, that if we plot a graph between temperature and entropy, temperature along y axis and entropy along x axis, आप reverse भी ले सकते हैं लेकिन हम ऐसे ही लेते हैं। So temperature and entropy then of any thermodynamical system, then the obtained diagram is called TS diagram या जो obtained graph है उसको हम TS इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं। इंडिकेटर डायग्राम इसको भी इसीलिए कहते हैं बिकॉज इट इज एक्सप्लेनिंग द स्टेट, इट इज डिपिक्टिंग द स्टेट ऑफ द सिस्टम एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो आपको याद होगा कि हमने वो वाला PV इंडिकेटर डायग्राम कार्नोट्स इंजन, कार्नोट साइकिल में लिया था। सो हेयर ऑल्सो वी विल कंसिडर कार्नोट्स रिवर्सिबल इंजन हैविंग 2 cycles ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेसेस एंड 2 cycles ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेसेस। एंड आपको याद होगा कि उस डायग्राम को हम कुछ इस तरीके से बनाते थे। मैं यहीं पर दोनों डायग्राम्स को ड्रॉ करूंगी। दिस इज PV इंडिकेटर डायग्राम, ये PV डायग्राम है। फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B जाता था सिस्टम, P1 V1 T1 उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर था। एंड द प्रोसेस वाज एडियाबैटिक सॉरी आइसोथर्मल, द प्रोसेस वाज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सो फर्स्ट प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन रहता था और इस प्रोसेस में हमें पता है Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो रहती थी दैट वाज एब्जॉर्ब्ड। आपको ये कहानी याद होगी। अगला जो प्रोसेस होता था वो B से C स्टेट का रहता था। एंड प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर P2 V2 T1 क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल था सो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। T1 से यहाँ पर P3 V3 T2 हो जाता है बिकॉज दिस स्टेप इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन होने की वजह से हीट कांस्टेंट रहती है और जो सिस्टम है वो B स्टेट से C स्टेट चला जाता है। टेम्परेचर के अंदर क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है तो कूलिंग होती है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। एंड द नेक्स्ट स्टेप वाज अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन, दिस वाज आइसोथर्मल compressions from state C to state D or D state पर pressure P4 V4 and temperature T2 because the process was again मैं कहूँ कि ये क्या था आइसोथर्मल। उसके बाद अगेन सिस्टम मूव्ड फ्रॉम स्टेट डी टू स्टेट ए थ्रू एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। तो ये चार स्टेप्स की जो सीरीज़ थी वो हमेशा रहती थी और आपको पता है कि ये सारी जो डिस्कशन है इसकी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो करस्पॉन्डिंग टू दिस वी आर गोइंग टू ड्रॉ टेम्परेचर entropy diagram. Along x axis I will draw entropy and along y axis I will draw the temperature of the system. अब इसकी डिस्कशन हमें उन्हीं चार स्टेप्स में करनी है। सो फर्स्ट स्टेप इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फर्स्ट ऑपरेशन वाज नथिंग बट आइसोथर्मल एक्सपेंशन and we know that this isothermal expansion was executed by placing the cylinder on the source and we expanded or we pulled the piston out slowly so that system may get sufficient time to exchange heat with the surrounding so that temperature remains constant. और आपको पता है कि ये जो AB isotherm है that represent isothermal expansion at constant temperature T1. तो मुझे ये पता है कि इस step के अंदर टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ये ग्राफ या तो यहाँ आएगा या नीचे आएगा। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है बिकॉज बट हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम। हमने पीछे डिस्कस किया कि अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है देन फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी डी एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। इफ हीट इज गेन्ड बाय द सिस्टम दिस डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव एंड दिस टी एस विल बी पॉजिटिव एंड देयर विल बी गेन इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। दैट मीन्स जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो इंक्रीज होगी और हमें पता है एंट्रोपी एक्स एक्सिस के लोग इस तरीके से इंक्रीज होगी और टेम्परेचर यहाँ मान लीजिए हमने ए स्टेट से ये स्टार्ट किया, ए स्टेट और ए स्टेट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमारी वही ए स्टेट है जिसका यहाँ पर प्रेशर P1 वही वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर इज T1. अब क्योंकि प्रोसेस इज आइसोथर्मल तो यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना है। सो इस तरीके से जो लाइन बनेगी वी विल ऑब्जर्व अ लाइन parallel to x axis yet entropy axis and perpendicular to temperature axis because temperature remains constant. So the again the line is A to B. हमें पता है state वही रहेगी P2, V2 and T1 because temperature क्या रहा constant. हाँ एंट्रोपी के अंदर इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर मुझे पता है इस साइड वैल्यू टेम्परेचर की T1 है और यहाँ पर जो एंट्रोपी की वैल्यू है वो S1 है एंड हेयर एंट्रोपी की वैल्यू S2 है। सो इन दिस आइसोथर्मल एक्सपेंशन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट विच वाज T1 बट द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज फ्रॉम S1 टू S2. सो एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो गई है, देयर इज गेन इन एंट्रोपी। इस वजह से ये लाइन इस तरीके से आ गई है इधर, ये वैल्यू S2 जो है वो ग्रेटर देन S1 है। हमें पता है अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है। सो दिस ए बी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स आइसोथर्म इन टीएस डायग्राम। देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एंट्रोपी S1 एंड S2. S1 इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस एंड S2 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। सो एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है बट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहा। सो इस ए बी कर्व वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें मिल गई है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड इन द सेकेंड स्टेप विच इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन. Second one is adiabatic expansion. So what I will have to do in adiabatic expansion, हम लोग फिर वही पुरानी बातों को याद करेंगे। भूली बिसरी बातों को भूलने बिसरने नहीं देना है दिमाग से, we will have to keep them retained in the brain. तो ये जो B स्टेट से C स्टेट तक सिस्टम जाता है ये जाता है थ्रू द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब मुझे पता है कि दिस BC कर्व इन PV डायग्राम रिप्रेजेंट्स एडियाबैटिक एक्सपेंशन इन विच टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम T1 टू T2 बिकॉज वर्किंग सब्सटेंस इज बीइंग एक्सपेंडेड एंड एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं इस प्रोसेस को इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देते हैं हमारे सिलेंडर को और एकदम से पुल कर देते हैं पिस्टन को, एकदम से पुल करेंगे एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंशन की वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं हम दूर हुए, तुम दूर हुए, तुम कहाँ हम कहाँ, जाने कहाँ कौन कहाँ। सो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं मॉलिक्यूल्स, एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इस वजह से उनका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इंटरैक्शन एनर्जी विल बी डिक्रीज, इंटरनल एनर्जी विल बी डिक्रीज। सो टेम्परेचर क्या हो जाएगा उनका, डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज होते ही नई स्टेट आ जाएगी T2। तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब इस लाइन को नीचे की तरफ आना होगा। हमें देखना है एंट्रोपी बिकॉज प्रोसेस इज एडियाबैटिक, सो डेल्टा क्यू हेयर इज जीरो. यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, यू विल गेट डी एस इक्वल टू जीरो. सो इन दिस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. टेम्परेचर फॉल हुआ है, इसका मतलब इस एक्सिस पे हमें डाउनवर्ड जाना है, लेकिन एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रही. तो एंट्रोपी यहाँ पर S2 थी तो वो S2 ही रहेगी. सो इस लाइन के अलोंग हम यहाँ पर चलेंगे, जितना टेम्परेचर फॉल हुआ हम वहाँ रुक जाएंगे. सपोज दिस वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू टेम्परेचर T2 हेयर. सो C, B से C हमने क्या एग्जीक्यूट करवा लिया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एंड द स्टेट ऑफ सिस्टम बिकम्स P3V3T2. टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज हेयर एंड वी गेट अ लाइन इन TS diagram which is parallel to y axis or temperature axis but perpendicular to entropy axis. So this vertical line represents state of the system in TS diagram. So next operation is this one, isothermal compression. In the third one you will write isothermal compression. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बोलती चली जाऊँगी, आई विल कीप ऑन स्पीकिंग, यू जस्ट कीप ऑन नोटिंग डाउन, तो आपके नोट्स बन जाएंगे. सो नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन. आइसोथर्मल कंप्रेशन करवाने के लिए आपको याद होगा कार्नोट्स इंजन में हमने क्या किया था. जिसने उस वीडियो को देखा है उसको समझ आ रहा होगा, जिसने नहीं देखा या जिसको खुद से आता है उसको भी समझ आ रहा होगा, जिसने नहीं देखा या जिसको थोड़ी प्रॉब्लम लगती है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप लोग वहाँ जाकर कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन को देख सकते हैं. सो वहाँ पर हमने बात करी थी कि जब आइसोथर्मल कंप्रेशन करवाना है, वी विल हैव टू प्लेस आवर सिलेंडर फिटेड विद द पिस्टन ऑन सिंक. हमें उसको सिंक पे रख देना है और धीरे 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 से करके उसको कंप्रेस करना है. जब धीरे धीरे कंप्रेस करेंगे द प्रोसेस विल बी क्वासी स्टैटिक, और जब कंप्रेशन होगी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे, हम पास आए, तुम पास आए, गर्मी को बढ़ाए, सो हीट जनरेट होगी. धीरे 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 कर रहे हैं, तो इस वजह से सिस्टम के पास सफिशिएंट टाइम है उस हीट को एक्सचेंज करने का विद द सराउंडिंग्स. अब सिस्टम जब अपनी हीट को एक्सचेंज करता है, बिकॉज आइसोथर्मल कंप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड इन अ क्वासी स्टैटिक मैनर, हम लोग धीरे से पिस्टन को पुश करेंगे और वो मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे एक दूसरे के पास आएंगे, धीरे धीरे हीट बढ़ेगी. और क्योंकि वॉल्स जो हैं वो कंडक्टिंग हैं और जो सिस्टम है उसको सफिशिएंट टाइम भी मिल रहा है टू एक्सचेंज द हीट विद द सराउंडिंग्स, तो हीट एक्सचेंज होती रहेगी और उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट. जो इनिशियल था, इनिशियल स्टेट कौन सी है, P3V3T2. सो टेम्परेचर स्टेट का T2 है. सो इसका मतलब अगली स्टेट के अंदर भी टेम्परेचर को सेम रहना है. दैट मीन्स जो लाइन है वो पैरेलल टू ए बी चली जाएगी और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना है. बट क्योंकि आइसोथर्मल कंप्रेशन है एंड इन दिस प्रोसेस हीट Q2 इज रिलीज्ड, सिस्टम हीट को रिलीज करता है क्योंकि कंप्रेशन है, हीट हुई है, सराउंडिंग्स हो वो हीट देता है. अगर सिस्टम में से हीट बाहर निकलेगी, सो अकॉर्डिंग टू द सेम एक्सप्रेशन DS इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई T. दिस टर्म विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होगी तो DS विल बी नेगेटिव. इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल बी डिक्रीज. एंट्रोपी डिक्रीज होगी तो वापस कहाँ पर चली जाएगी, S2 से S1. सो कर्व ग्राफ हमारा आपका सबका ये वाला आ जाएगा C2D एंड स्टेट ऑफ सिस्टम इज P4V4T2. टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस. अगेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बट एंट्रोपी जो है दैट डिक्रीजेस फ्रॉम S2 टू S1. And in the very last fourth step it is adiabatic compression, exactly reverse to आइसोथर्मल कंप्रेशन. आपको याद होगा कार्नोट्स इंजन में हमने क्या किया था, एडियाबैटिक कंप्रेशन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए वी परफॉर्म्ड दिस कंप्रेशन बाय प्लेसिंग द सिलेंडर ऑन अगेन इंसुलेटिंग स्टैंड. सो चारों तरफ से इंसुलेशन है और हमने एकदम से पिस्टन को पुश कर दिया. प्रोसेस इज एक्सट्रीमली फास्ट, मॉलिक्यूल्स एकदम से एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, हीट जनरेट होगी. सिस्टम के पास ना तो इतना टाइम है कि वो सराउंडिंग्स के साथ हीट एक्सचेंज करे और ना ही हमने कहीं से कोई कंडक्शन की पॉसिबिलिटी छोड़ी है. देयर इज इंसुलेशन फ्रॉम एवरीवेयर. सो इस वजह से कोई हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग्स के साथ नहीं होगा. अगर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो डेल्टा Q विल बी ज़ीरो, सो DS विल बी ज़ीरो, सो एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट. तो इस प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी यानी कि S2 ही रहेगी. बट क्योंकि कंप्रेशन है सो टेम्परेचर विल राइज अगेन और T2 से कहाँ पर चला जाएगा, T1 पर, and the state of system is represented by a vertical line DA on TS diagram. तो देखिए कितनी सुंदर एक रेक्टेंगल मिल गई है हमें ABCD, which represents Carnot cycle और Carnot's engine in TS diagram in terms of temperature and entropy. First step isothermal expansion था, entropy increase हुई S1 से S2, temperature T1 constant रहा. Second step adiabatic expansion था, heat constant रही, so एंट्रॉपी जो है वो रही कांस्टेंट, ds was 0, एंट्रॉपी कांस्टेंट रही, यानी कि इसकी वैल्यू इस स्टेप के अंदर S2 ही रही, यहाँ पर S2 ही रहेगा और यहाँ पर S1 था, सो S2 रहेगा और टेम्परेचर जो है दैट विल बी इंक्रीज्ड हेयर, टेम्परेचर बढ़ गया T1 से T2 चला गया इस स्टेप के अंदर. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, एंट्रोपी डिक्रीज हुई, S2 से S1 पर आ गई. इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप अगेन आइडियाबैटिक कंप्रेशन, हीट कांस्टेंट रही, एंट्रोपी का चेंज भी कांस्टेंट रहा, सो एंट्रोपी की वैल्यू S1 रही, बट टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ, वो T2 से अगेन T1 हो गया एंड द सिस्टम रीचेज अगेन टू इट्स इनिशियल स्टेट. तो ये कहानी है टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम की. आपको याद होगा वहाँ पर PV डायग्राम हमें लॉसेस देता था, यहाँ हमें देखना है कि हमें TS डायग्राम का एरिया जो है वो क्या देगा. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एरिया ऑफ TS डायग्राम. डायग्राम यहाँ पर बनी हुई है, आप लोग हेडिंग जस्ट चेंज कर लीजिएगा. अगर एग्जामिनेशन में आपको टेम्परेचर एंट्रोपी इंडिकेटर डायग्राम आ जाता है अटेम्प्ट करना, या फिर आपको ये आ जाता है कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, या ये आ जाता है कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या सिंपली आ जाता है एक्सप्लेन टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, तो आपको इसके एरिया की बात इसके साथ ही कर देनी होती है एग्जामिनेशन में. सो नेक्स्ट इज़ यहाँ पर एरिया, यहीं पर लिख देती हूँ मैं अपना हेडिंग, एरिया ऑफ टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम. अब देखिए मैंने माना लेट सपोज Q1 विद अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस AB. हमें पता है इसमें Q1 हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है. Q1 इज हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन and Q2 is the amount of heat released during isothermal compression. इसके अंदर Q2 heat system release करेगा. यहाँ पर सिस्टम इसको रिलीज करेगा. इन दोनों में हमें पता है हीट कांस्टेंट रहती है एडियाबैटिक प्रोसेसेस के अंदर. सो Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स बाय वर्किंग सब्सटेंस एंड Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय वर्किंग सब्सटेंस टू द सिंक. So by the definition of entropy, we know that delta Q किसके इक्वल हो जाता है TDS के, क्योंकि DS इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई T. सो डेल्टा Q किसके इक्वल हो जाएगा TDS के. अब डेल्टा Q फर्स्ट प्रोसेस AB के अंदर हमें पता है हीट क्या रहेगी, Q1 हीट एब्जॉर्ब हुई है एंड टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो T1 है. एंट्रोपी के अंदर चेंज हमें पता है, इनिशियल एंट्रोपी वाज S1 एंड फाइनल एंट्रोपी वाज S2. सो चेंज इन एंट्रोपी इज S2 माइनस S1 ये रहेगा. और ये जो चीज़ है देखिए इस डायग्राम के अंदर, दिस इज टेम्परेचर, ये वाली वैल्यू इस लाइन की, एंड S2 माइनस 1 इज दिस वन, यानी कि दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, y एक्सिस और x एक्सिस. सो दिस गिव्स यू द एरिया. और कौन सा एरिया मैं ये कह सकती हूँ, इट इज़ बेसिकली T1 जो है, मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ. यहाँ से जीरो से ABCD, आप इसको H लिख लीजिए, आप इसको G लिख लीजिए. सो ये जो T1 वैल्यू है यहाँ से जीरो से T1, दिस इज AH. बेसिकली T1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ AH. सो S2 माइनस S1 इज दिस मच, GH लाइन लिख सकते हैं आप, HG भी लिख सकते हैं, दिस इज GH. सो GH इस रेक्टेंगल की लेंथ है और इस वाली पूरी रेक्टेंगल की लेंथ है, और ये वाली जो है AH, दिस इज आप कह सकते हैं ब्रेड्थ. सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABGH. सो इट गिव्स यू एरिया ABGH. हमारे पास Q1 वैल्यू है वो आ गई है एरिया ABGH. सिमिलरली इन दिस स्टेप फ्रॉम C टू D, फ्रॉम CD, फॉर CD आइसोथर्म हीट जो है वो Q2 है, हमें पता है हीट इज़ रिलीज बाय द सिस्टम दैट इज़ Q2. टेम्परेचर हमें पता है T2 है, और एंट्रोपी के अंदर जो चेंज है, अब वर्किंग सब्सटेंस का अगेन एंट्रोपी में चेंज रहेगा इसके अंदर, दैट विल बी S2 माइनस S1, दैट इज़ चेंज इन एंट्रोपी. या मैं कहूँ कि आप इसको चाहे नेगेटिव ले लीजिए कि S1 माइनस S2 लीजिए क्योंकि S1 इनिशियल फाइनल एंट्रॉपी है, सो S2 इनिशियल एंट्रॉपी है, S1 माइनस S2 हमें पता है S2 वैल्यू ग्रेटर है तो ये बाहर ले लूँगी मैं, सो इट इज़ माइनस T2 S2 माइनस S1 ये आ गया, सो T2 अगेन T2 ये रहा, दिस इज़ DH, दिस इज़ माइनस DH इंटू S2 माइनस S1 हमें पता है GH है, सो दिस इज DH, इस रेक्टेंगल की लेंथ हो गई और GH ये, सो दिस इज एरिया, दिस वन CDHG, सो दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDHG। तो Q1 हीट और Q2 हीट हमारे पास आ गई हैं, ये वाला एरिया है, लेकिन दिस इज हमें पता है ये क्या है नेगेटिव। सो अगर मैं नेट चेंज लूँ, मुझे पता है Q2 हीट मेरी नेगेटिव आ गई है, सो एंट्रोपी ऑफ द डिफरेंस मुझे पता है Q1 माइनस Q2 विल रिप्रेजेंट द हमें पता है वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल, हमने पीछे भी इसको डिस्कस किया है कि Q1 माइनस Q2 रिप्रेजेंट्स वर्क डन, और ये ऑलरेडी नेगेटिव है, सो W जो रहेगा दैट विल बी दिस माइनस दिस, इसकी वैल्यू है एरिया ABGH माइनस एरिया CDHG, ये पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया, उसमें से ये वाला एरिया हमने निकाल दिया, तो वी आर लेफ्ट विद दिस मच एरिया, सो दिस इज एरिया ABCD। आप इसको ये भी कह सकते हैं दिस गिव्स अस द डिफरेंसेस इन हीट्स एंड दिस गिव्स अस द वर्क डन इवन। सो एरिया ऑफ TS डायग्राम रिप्रेजेंट्स द अवेलेबल एनर्जी, क्योंकि W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, वो वर्क है जो सिस्टम ने हमें परफॉर्म करके दिया, वो वर्क हमारे लिए अवेलेबल है, सिस्टम वो एनर्जी हमें दे सकता है कि भैया वर्क परफॉर्म कर लो, मैंने आपको 10 चॉकलेट्स दे दी कि भैया जाओ अपना बिजनेस कर लो, सो वो मेरा आपके ऊपर किया गया वर्क है, दैट इज एनर्जी अवेलेबल टू यू। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस of TS diagram is that a TS diagram represents available energy and मैं कहूँ कि दैट ऑफ PV डायग्राम ऑल्सो इट गिव्स अस वर्क डन, वर्क डन देता है हमें, अवेलेबल एनर्जी देता है वर्क परफॉर्म करने के लिए कितनी एंड विच इज़ इक्वल टू Q1 माइनस Q2। कई बार एग्जाम में ये आ जाता है कि आप प्रूव कीजिए कि जितना एरिया, क्योंकि वर्क डन तो सेम है, ये रिप्रेजेंट करने के दो अलग अलग तरीके हैं, सो इस डायग्राम का एरिया और इस डायग्राम का एरिया आपस में इक्वल होने चाहिए, और फिजिक्स आपको पता है बिना प्रूफ के, बिना गवाहों के नहीं मानती। तो अब हमें अगली बात करनी है, एरिया ऑफ TS डायग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ PV डायग्राम, सो लेट अस डू दिस। इस सारे को हम इरेज कर देते हैं, अब हम प्रूव करेंगे एरिया ऑफ TS डायग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ PV डायग्राम। डायग्राम्स दोनों हमारे सामने हैं, हमें जस्ट इनका एरिया ऑफ TS डायग्राम is equal to area of PV indicator diagram, we will have to prove this, हमें इसको prove करना है। अब हमें क्या करना है, आप लोग सारी कहानी पिछली भूल जाइए। नाउ लेट अस सपोज दैट डेल्टा Q इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम ड्यूरिंग द थर्मोडायनेमिकल ऑपरेशंस, देन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा Q हीट रिलीज्ड हैज बीन कंज्यूम्ड इनटू टू वेज, वन पार्ट ऑफ इट चेंजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड अदर इज यूज्ड इन परफॉर्मिंग वर्क। आप लोग इसको पहले डेल्टा W लिख के फिर PdV भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली PdV भी लिख सकते हैं। लेट अस सपोज दिस इज first equation. Now I am going to use the expression for second law of thermodynamics in terms of entropy. Using second law of thermodynamics, delta Q is equal to TdS. Suppose this is equation number 2. Now I am going to substitute equation number 2 in equation number 1. So put 2 in 1. जब आप इसको इसमें put करेंगे, you will get TdS. ये TdS tax deduction scheme नहीं है. So TdS is equal to Du plus Pdv. ये इसके इक्वल हमारा आ गया। नाउ ये जो इक्वेशन 3 है, इसको अगर हम इंटाग्रेट कर दें फॉर द कंप्लीट साइकिल ऑफ कार्नोट्स इंजन, सो इंटाग्रेटिंग दिस इक्वेशन अगले स्टेप में मैं यहीं पर कर दे रही हूँ, आप लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे इंटाग्रेटिंग दिस इक्वेशन ओवर द फुल साइकिल। सो आई विल गेट फुल साइकिल इंटाग्रेट करेंगे तो हमें पता है इंटाग्रेशन के ऊपर हमें ये गोला मार देना होता है, सर्कल मार देना होता है। सो जो आ गई है इधर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज TdS इंटाग्रेशन इज इक्वल टू du का इंटाग्रेशन ओवर फुल साइकिल। हमें पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल साइकिल ओवर द फुल साइकिल इट बिकम 0, सो ये du 0 हो गया। उसके बाद दिस इज Pdv, बिकॉज du इंटाग्रेशन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस इट इज 0। और TDS इज, ये चीज क्या है, दिस इज एरिया ऑफ TS डायग्राम एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एरिया ऑफ PV डायग्राम. सो एरिया ऑफ TS डायग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ PV डायग्राम. इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको पता है, आपको एरिया देता है. इसी तरीके से इंटीग्रेशन पीवी डायग्राम के अंदर भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इंटीग्रेशन विल गिव यू द एरिया. देयरफॉर दिस इक्वेशन मींस दैट एरिया ऑफ टीएस डायग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पीवी डायग्राम फॉर द कंप्लीट रिवर्सिबल साइकिल जस्ट लाइक कार्नोट्स इंजन. सो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने सिस्टम को इसकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दीज आर जस्ट टू डिफरेंट वेज टू अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम इज behaving in the various cycles of operations which we are executing during any thermodynamical process. So ये कहानी है एंट्रोपी की in terms of टेम्परेचर के साथ, पीवी डायग्राम के साथ इसकी कोरिलेशन. अगली खूबसूरत सी बातों के साथ और रियल लाइफ उनकी फिजिकल सिग्निफिकेंसेस के साथ हम हाजिर होंगे अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच.